आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये सही या गलत नहीं बताएगा आपको कि क्या सही है क्या गलत है, ये बस आपको ये बोलेगा कि यू आर ऑलवेज राइट। जो भी आप सोच रहे हैं आपके मन में, तो इसका एक ही जवाब होता है कि सर यू आर ऑलवेज राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सोचा कि अरे यार मैं हमेशा थका हुआ रहता हूँ, मुझे हमेशा सर दर्द रहता है और ये कभी ठीक नहीं होता है और ये ठीक होना मुश्किल है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि यस सर यू आर ऑलवेज राइट, आप हमेशा सही हैं, आपका सर दर्द हमेशा रहता है और ये कभी ठीक नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। आपने बोला कि यार मैं बहुत परेशान आदमी हूँ, यार मैं बहुत दुखी आदमी हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा यस सर यू आर ऑलवेज राइट, आप बहुत दुखी इंसान हैं और आप बहुत परेशान हैं और हमेशा परेशान ही रहेंगे। आपने अगर मन में बोला कि यार मैं हैप्पी हूँ, यार मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ से मैं संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाई हूँ, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि यस सर यू आर ऑलवेज राइट, मतलब यू आर ऑलवेज राइट फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड, ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा आपको कैसा सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही इंस्ट्रक्शन आपको देने हैं। अगर आप उसको गलत इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर आप बोलते हैं कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम है ये मुझे लगता है कि हमेशा से रहेगी, ये तो ठीक होना ही नहीं है, तो वो कभी ठीक नहीं होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं बीमार हूँ और मेरी तो ये चीज़ जो है ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ये सर यू आर ऑलवेज राइट। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल इसे ठीक कर लूँगा, ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, हर चीज़ संभव है दुनिया में, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा यस सर यू आर ऑलवेज राइट, बिकॉज यू आर ऑलवेज राइट फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड। सो बी केयरफुल, ऑलवेज गिव पॉजिटिव थॉट टू योर सबकॉन्शियस माइंड, सो थिंक पॉजिटिव। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।